हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है वो है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, और श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दिया है फूड एमरजेंसी एज फॉरेक्स क्राइसिस वर्सन्स। जैसे फॉरेक्स क्राइसिस बढ़ रहा है श्रीलंका में, तो उन्होंने फूड एमरजेंसी घोषित कर दी है। देखिए, एमरजेंसी या आपातकाल, इसका मतलब ही है कि एक कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है। और जब फूड इमरजेंसी है तो इसका मतलब ये है कि खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है, और किल्लत इतनी ज़्यादा है कि आपातकाल लगाना पड़ गया है। तो श्रीलंका टुडे डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेज एज प्राइवेट बैंक्स रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इम्पोर्ट्स। देखिए, जब से आपने देखेंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो तरह की चीज़ें होती हैं। इम्पोर्ट यानी हम बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं, तो खाने पीने की जब हम चीज़ें विदेशों से मंगाते हैं तो हम फोरेक्स में उसका पेमेंट करते हैं। अब आप कहोगे फोरेक्स क्या होता है? अब ऐसी कुछ चीज़ें टर्म्स मिलेंगी आपको जो आपको लगेगा कि ये टर्म हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, मैं आपको ये सारी टर्म्स इतनी आसान शब्दों में और कहूँ तो बिल्कुल गाँव की लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, ताकि आप कोई भी समस्या का सामना ना करें। हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार जुड़े हैं, और अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद कि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जैसे मैं आपको बताया कि श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दिया है फूड एमरजेंसी, क्योंकि उनके पास शॉर्टेज ऑफ प्राइवेट बैंक्स रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व है, वो ख़त्म हो गया है, तो वो बाहर से कोई भी चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ समझने की, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। देखिए, एक्स का मतलब क्या है? आउट सी चीज़ें, यानी हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। इम्पोर्ट इन से आप लिंक कर सकते हैं, यानी जब हम बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं, हमारे देश में कोई चीज़ आती है तो वो इम्पोर्ट होता है, तो वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्ट के लिए उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन रिजर्व था, वो समाप्त हो चुका है। तो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो प्रेजिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने एमरजेंसी घोषित कर दी है टू काउंटर द होर्डिंग ऑफ शुगर राइस एंड अदर एसेंशियल फूड्स। जो चीनी, चावल, दाल, जो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं उनका आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं, आपको एसेंशियल फूड्स में डाल दिया गया है, और उनके लिए आपको गवर्नमेंट का जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको सेल करना पड़ेगा, और ताकि लोग उसकी जमाखोरी ना कर पाएँ आर्मी के एक ऑफिसर को उसका कमिश्नर जनरल बना दिया गया है, ताकि इन चीज़ों की जो है होल्डिंग रोकी जा सके। अब देखिए, मैं आपके सामने जो चीज़ बताने वाला हूँ, सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स रिजर्व, देखिए फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है विदेशी पैसा, फॉरेन, जो हम अपने पास रिजर्व रखते हैं। देखिए, जब भी किसी बैंक का निर्माण होता है या सेंट्रल बैंक होता है, तो उसके पास कुछ लिमिटेड आइटम्स होते हैं, भाई उसको इतना गोल्ड जो है रखना अनिवार्य है, इतना फॉरेन रिजर्व रखना ज़रूरी है, इतना आपको बॉन्ड, यानी हर चीज़ का एक लिमिटेड वो होता है कि तभी आप किसी भी चीज़ के लिए नोट छाप सकते हो। क्योंकि आपने कई बार बचपन में सुना होगा या सोचा होगा कि भाई गवर्नमेंट के पास जब नोट छापने की मशीन है तो वो नोट क्यों नहीं छाप देती है? देखिए, उसके पीछे वजह ये है कि जितना नोट एक्चुअली गवर्नमेंट छापती है उतना ही उसके पास कुछ भी, या तो गोल्ड या फॉरेक्स रिजर्व अपने पास जमा करना होता है उसको। यानी कोई भी सरकार या कोई भी रिजर्व बैंक अपने यहाँ पे केवल इतना ही नोट छाप सकता है जितना उसके पास प्रोडक्शन है, यानी जितना उसके पास अवेलेबल है उसके बदले में उतना ही नोट छाप सकता है। अगर मान लिया कि कल तक मेरे पास 100 रुपये छापता था, मैं आज मैंने 1000 रुपये छाप दिए, अब लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो हम, मैं 1000 लेके मार्केट जाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैसा के जो जो गवर्नमेंट जो आपको मार्केट में जो अवेलेबल प्राइस है या अवेलेबल जो आइटम है, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो प्रोडक्ट्स केवल 100 रुपये के ही हैं मार्केट में, तो आप 1000 रुपये से क्या खरीदेंगे? अब वो कहेगा भाई इसके पास तो 1000 रुपये हैं, बोला मैं इस प्राइस का प्राइस बढ़ा देता हूँ, 1000 रुपये कर देता हूँ। तो इससे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखिए यही हुआ कि केवल प्रोडक्ट उतना ही छापा, मतलब नोट जो है उतना ही छापा जाएगा जितना प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से ज़्यादा नोट नहीं छापे जा सकते, पहली चीज़। अब उसमें जो गोल्ड या फॉरेक्स रिजर्व हम कितना रखें, अब वो हर बैंक की या हर देश की अपनी अपनी जो रिजर्व बैंक है उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि भाई हमारे यहाँ इतना हम गोल्ड रखेंगे, इतना फॉरेक्स रिजर्व रखेंगे। क्योंकि जब भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम जो हैं, अगर हमें अमेरिका से कुछ मंगाना है,
तो हम अपने लोकल तो भाई क्या है, हमारे यहाँ करेंसी रुपीज़ है, ऐसी श्रीलंका की करेंसी जो श्रीलंकन रुपीज़ है, अगर उसको कुछ भी आइटम लोकली ख़रीदना है जो वहाँ पे पैदा हो रहा है, तो वो सीधा जाएगा श्रीलंका रुपीज़ देगा और उससे वो आइटम ख़रीद लेगा। बट उसको कोई आइटम अगर ऐसा यूज़ करना है जो अमेरिका से इम्पोर्ट करना है, तो अमेरिका उस देश को कैसे देगी? वो कहेगी भाई मेरे को डॉलर में पैसा चाहिए, मुझे श्रीलंकन रुपीज़ से मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए हर देश को अपने पास फॉरेन रिज़र्व रखना पड़ता है, जिसको फोरेक्स बोलते हैं। तो उस फोरेक्स रिज़र्व का मतलब यही है कि भाई हम कैसी भी कंडीशन हो, ये हमारे पास एक जमा पूंजी है, रिज़र्व है, इसका उपयोग हम केवल जब ही करेंगे जब इमरजेंसी की कंडीशन आएगी। अब श्रीलंका में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमारा जो फोरेक्स रिज़र्व था वो समाप्ति की ओर है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला। यानी देखिए, जब वो रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा तो क्या अमेरिका से जो डॉलर से या विदेश से कोई भी चीज़ मंगा रहा था इम्पोर्ट करके, जो उनकी बेसिक नीड्स थी, अब उसके पास जब डॉलर में पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे मंगा पाएगा? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी और इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी। अब उससे बचने के लिए आप नोट छाप सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया नोट आप उतना ही छाप सकते हो जितना आपके पास प्रोडक्शन है, क्योंकि ये गलती अभी हाल ही के दिनों में देखिए वेनेजुएला ने की है, जिम्बाब्वे ने की है। तो बोला गया था कि जिम्बाब्वे में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि आपको एक ब्रेड का पैकेट लेके जाने के लिए एक झोला भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट ने इतना छाप दिया, बट मार्केट में तो प्रोडक्शन ही नहीं है ना। जब मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है तो पैसे का क्या करोगे आप? तो यही कंडीशन से बचने के लिए आज गवर्नमेंट कोई भी हो वो नोट नहीं छापना चाहती एक्स्ट्रा, वो उतना ही नोट छापना चाहती है जितना उसके यहाँ पे जीडीपी है या जितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो दो चीज़ मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होंगी, फोरेक्स रिज़र्व क्या है और क्यों ज़रूरी होता है, दूसरा नोट ज़्यादा क्यों नहीं छापे जाते। अब तीसरी मैं चीज़ जो आपके सामने बात करूँगा, बॉन्ड। देखिए हर गवर्नमेंट उनके पास पैसे के लिए क्या करती है, एक बॉन्ड जारी कर देती है कि भाई हम तुमको 3% 2% 6% 10% सालाना ब्याज देंगे, आप हमसे 20 साल का बॉन्ड ले लो। यानी हमें आप 1 करोड़ रुपए दे दो और हम 1 करोड़ का आपको कागज़ दे देते हैं कि आपको हर महीने या हर साल इतना इंटरेस्ट देंगे। अब बॉन्ड लेने के लिए भी क्या है, एक्चुअली किसी भी चीज़, अब बॉन्ड में अगर मैं जारी कर दूँ कि भाई मैं 5 करोड़ का बॉन्ड दे रहा हूँ, कागज़ ले लो मेरे हाथ से साइन करा के, तो मेरा बॉन्ड कौन खरीदेगा? क्योंकि मेरी विश्वसनीयता कुछ नहीं है। तो बॉन्ड के लिए विश्वसनीयता होनी बहुत ज़रूरी है। तो जिस गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है वही गवर्नमेंट एक्चुअली ज़्यादा बॉन्ड अपने सेल कर पा, क्योंकि अमेरिका के बॉन्ड कोई भी ले लेता है, चाइना, जर्मनी, रूस, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी विश्वसनीयता है। बॉन्ड वाला पॉइंट आपको समझ में आके, बॉन्ड कब इशू करते हैं गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो जब पैसा चाहिए तो उनको क्या करेंगे, वो बॉन्ड इशू कर देंगे। तो एक हमारा पॉइंट और बचा, वो बचा ट्रेड डेफिसिट। देखिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये चीज़ भी समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों बराबर होंगे तो सब कुछ नॉर्मल है। अगर मैं कहूँ इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया आपका, एक्सपोर्ट कम है, मतलब आप विदेश से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं। देखिए आप विदेश से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं, तो जो यहाँ से हमारे पास डॉलर या कुछ भी रखा है, जो आपका फोरेक्स रिज़र्व है, वो आपका ज़्यादा जा रहा है यहाँ से, तो आपका फोरेक्स रिज़र्व कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। यानी डॉलर या जो भी आप, मैं कहूँ फोरेक्स है, वो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अब जब फोरेक्स ज़्यादा खर्च करोगे तो क्या होगा आपके पास? तो आपके पास उसकी कमी हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ट्रेड डेफिसिट। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब आप इस जो टॉपिक है बहुत आसानी से आई थिंक समझ सकते हैं। राजपक्षा हैज़, जैसे मैं बता दिया, एक ऑफिसर डिटेल कर दिया उन्होंने, द मूव फॉलोड शार्प प्राइस राइज फॉर शुगर, राइस, ऑनियंस एंड पटेटोज, वाइल लोइंग क्यूज हैव फॉर्म्ड आउटसाइड स्टोर्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मिल्क पाउडर, केरोसिन ऑयल एंड कुकिंग गैस। या इन सब चीज़ों के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है कि काफ़ी काफ़ी घंटे में जाके नंबर आ रहा है। और फूड चीज़ों की तो ऐसा है कि लोगों ने होर्डिंग ना लगाएं, उसके लिए एक आर्मी की सहायता ली गई है। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड पेनल्टीज फॉर फूड होर्डिंग, बट द शॉर्टेज कम्स एज द कंट्री ऑफ 21 मिलियन बैटल्स ए फियर्स कोरोना वायरस वेव डैट इज क्लेमिंग मोर देन 200 लाइव्स ए डे। देखिए 21 मिलियन का देश है, आप ये सोच के चलिए, यानी 20-21 करोड़ के आसपास, दो करोड़ के आसपास इनकी आबादी है। अब कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये कंडीशन इनकी हो रही है कि 200 आदमी लगभग डेली मर जा रहे हैं। मीनवाइल देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन कोविड 19 डेथ्स इन श्रीलंका इन द पास्ट फ्यू वीक्स।
विद मोर देन 200 डेथ्स अ डे एंड मोर देन 4,500 डेली केसेस रिपोर्टेड फॉर द पास्ट 10 डेज, और पिछले 10 दिनों से लगातार अगर देखा जाए एक एवरेज तो 4,500 केस डेली आ रहे हैं। श्रीलंका हैज़ रिकॉर्डेड 899 यानी 9,000 मोटे मोटे कोविड रिलेटेड डेथ्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक, यानी श्रीलंका में 9,000 लोग जान गंवा चुके हैं। अब देखिए, द इकोनॉमी श्रंक बाई ए रिकॉर्ड ऑफ 3.6% इन 2020 बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड इन मार्च लास्ट ईयर द गवर्नमेंट बैंड इम्पोर्ट्स ऑफ व्हीकल्स एंड अदर आइटम्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स, टर्मरिक, एसेंशियल स्पेस इन लोकल कुकिंग। देखिए, ये इम्पोर्ट बंद क्यों किया गया? जैसे मैंने बताया भाई, इम्पोर्ट अगर कोई बाहर से आया तो जो हमारा रिजर्व है वो यहाँ से जाएगा, तो रिजर्व कमी के चलते इन्होंने क्या है, बाहर से बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया था ऑलरेडी, ताकि रिजर्व हमारा बचा रहे एमरजेंसी की सिचुएशन में। क्लियर? और इनकी इकोनॉमी बोला जा रहा है कि 3.6% 2020 में श्रंक हुई है, डाउन हुई है। श्रीलंका हैज़ बैंड और इवन इम्प्लीमेंटेड स्पेशल लाइसेंस रिजाइम फॉर 100 ऑफ फॉरेन फूड्स इंक्लूडिंग टूथब्रश, स्ट्रॉबेरीज, विनेगर, वेट वाइप्स एंड शुगर टू रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ट्रेड डेफिसिट से बचने के लिए उन्होंने एक अलग से लाइसेंसिंग स्कीम ला दी है, जैसे कुछ इस टाइप के आइटम्स, स्ट्रॉबेरी, टूथब्रश, यानी इन सब चीज़ों पर लगाम लगा दी है, बाहर से नहीं खरीद सकते हैं बाहर से मंगाने के लिए। श्रीलंका's फॉरेन रिजर्व फेल टू 2.8 बिलियन। देखिए, श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है, अगर जुलाई की मैं बात करूँ, जुलाई 2021 की, तो 2.8 बिलियन बचा हुआ है। देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो 7.5 बिलियन था यूएस डॉलर में, अगर मैं बात करूँ तो, यानी 7.5 बिलियन का इन्होंने रिजर्व जो है 2.8 पे लेके आ गए हैं। ठीक है, वैन द रुपी has lost more than 20% of its value against the US dollar in that time. अब इसका मत देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो आपका एक श्रीलंकन रुपीज़ है, SR लिख रहा हूँ मैं, श्रीलंकन रुपीज़, उसकी US डॉलर की कीमत कंपेयर अगर मैं करूँ तो देखिए क्या बैठती है। एक डॉलर आपको मिल जाएगा तो आपको अप्रोक्स 200 श्रीलंकन रुपीज़ देने पड़ेंगे एक डॉलर के बदले में। देखिए, जो हमारा 75, 76 या 80 के आसपास चलता है, वो श्रीलंका का 200 रुपये के आसपास है, और एक साल पहले अगर मैं देखूं तो ये लगभग 170 के आसपास, यानी 2019 में जब गवर्नमेंट आई थी तो 170 के आसपास था। तो इसको बोलते हैं उनकी जो करेंसी है उनका डेप्रिसिएशन हो गया है। अब देखिए, ये सब चीज़ें आपके देखे जा रहे हैं 2019 या 2020 के आसपास से, आखिर ऐसा क्या हुआ श्रीलंका के साथ? देखिए, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, और वो सब जगह से एक्चुअली लैंड से कटी हुई है, ओनली भारत से राम सेतु के द्वारा जो है जुड़ी है। तो जो भी उसका रिजर्व है, एक्चुअली मेनली जो उसकी जीडीपी है वो काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ टूरिज्म पे डिपेंड है। टूरिज्म क्योंकि क्या है, आइलैंड है तो टूरिज्म वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री डैट इज़ वाइटल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, इट नॉर्मली प्रोवाइड जॉब फॉर मोर देन 3 मिलियन पीपल, यानी 30 लाख लोगों के, वहाँ के लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री जो है जॉब प्रोवाइड कराती है, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ GDP, और वहाँ की GDP का लगभग 5% टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उस पर डिपेंड करता है। श्रीलंका नीड्स टू मेक फॉरन डेप्ट पेमेंट्स टोटलिंग 3.7 बिलियन दिस ईयर। देखिए, श्रीलंका को इस साल क्या है, कुल मिला के 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का क्या है, जो लोन ले रखा है उन्होंने, जो कर्जा ले रखा है वो चुकाना है। अब देखिए, 3.7 में से 1.3 ऑलरेडी ये पे कर चुके हैं, आपको मैंने बताया कि 2.8 इनके पास अभी बचा है, और 1.4 या 1.5 के आसपास इनको इस साल में और करना है, तो मान के चलिए इनके पास अब 1.4 ही बचा केवल बिलियन डॉलर, जो इनके पास फॉरेन रिजर्व बचेगा। ये तो केवल वो है जो लोन वाली सिचुएशन है। इट्स करेंसी हैज़ बीन ग्रेजुअली वीकनिंग अगेंस्ट द मेजर करेंसीज, मेकिंग सच रीपेमेंट्स मोर कॉस्टली इन लोकल टाइम। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कुछ लोन लिया, तो जब मैंने लोन लिया तो मेरी जो करेंसी की वैल्यू थी 170 रुपीज़, तो मुझे एक डॉलर मिल गया। लेकिन आज जो मैं अगर श्रीलंका उसको USA को बोलूँगा कि भाई मेरे को एक डॉलर दे दो, तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, 200 रुपये देने पड़ेंगे।
यानी अब मुझे उसी एक डॉलर के लिए इतने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे, तो जो रीपेमेंट है मोर कॉस्टली हो चुका है। आउट ऑफ 650 बिलियन श्रीलंकन रुपीस प्रिंटेड इन 2020। देखिए श्रीलंका ने, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका ने भी, ऐसा नहीं है कि नोट नहीं छापे हैं, लेकिन एक लिमिटेड में छापे गए हैं। उन्होंने नोट छापे हैं 650 बिलियन श्रीलंकन रुपीस 2020 में। उसमें से मांग के चलिए कि 213 बिलियन जो है श्रीलंकन रुपीज़ हैं वो केवल कर्जा चुकाने में चले गए, यानी 35-40% जो है इनका जो नोट छापे इन्होंने, इतने तो ऑलरेडी जो लोन चुकाना था उसमें ही चले गए हैं। अब आगे से क्या करें फिर इसमें ये? तो मीनवाइल ऑन अगस्त 30 इट फेल्ड टू सेल 92% ऑफ ए 50 बिलियन श्रीलंकन रुपी बॉन्ड ऑक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट को अगर कोई फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो क्या है, एक बॉन्ड बनाता है, अपना बॉन्ड छापता है और बोलता है भाई मेरा बॉन्ड ले लो, मैं तुम्हें इतना इंटरेस्ट पर मंथ देता रहूँगा 20 साल 10 साल 50 साल का। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बॉन्ड जो है एक्चुअली विश्वसनीयता के ऊपर दिया जाता है। अब विश्वसनीयता क्या होती है? देखिए विश्वसनीयता के लिए क्या है, कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि इनकी रेटिंग क्या है। तो जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, उन्होंने इसकी रेटिंग डाउन कर दिया है, मूडी डाउन कर दिया है, फिच डाउन कर दिया, यानी इन सब ने इनकी रेटिंग डाउन कर दिया है। और इसमें बोला गया है कि भाई ये बहुत रिस्की है, अगर आप इनके बॉन्ड लेते हो तो बहुत रिस्की है कि वो आपका पैसा चुका पाएंगे। इसका मतलब जब ये रेटिंग एजेंसी बोल रही है तो उनका लोन कौन लेगा? तो यही वजह थी कि इनका जो 92% ऑफ 50 बिलियन डॉलर इनका बॉन्ड ऑक्शन था वो भी फेल्ड हो गया, क्योंकि गरीब आदमी अगर है वो बोले भाई मैं तुम मुझे एक साइन करके दे रहा हूँ पर्चा, मैं ये पर्चे लिया ना 2 साल बाद मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा इंटरेस्ट के साथ, तो कौन लेगा आपसे, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है। तो वही काम यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका के साथ हुआ। तो कुछ तो कड़वे थे, कुछ नीम पे चढ़ बैठे। तो एनर्जी, यहाँ के एनर्जी मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने एक अपील की है लोगों से टू मोटरिस्ट टू यूज़ फ्यूल स्प्रेंगली टू सो डैट द कंट्री कैन यूज़ इट्स फॉरेन एक्सचेंज टू बाय एसेंशियल मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। उन्होंने अपने लोगों से अपील की है कि जो आप गाड़ी चला रहे हैं जितना हो सके कम से कम मिनिमाइज से भी मिनिमाइज कंडीशन में उसको यूज़ कीजिए, ताकि जो वो फोर, क्योंकि भाई अब पेट्रोल कहाँ से आएगा, पेट्रोल विदेश से इम्पोर्ट होगा तो यहाँ से फॉरेन रिजर्व जाएगा। तो अगर आप कम इम्पोर्ट करेंगे तो जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा है तो हम उससे आज के टाइम में जो इतनी बुरी सिचुएशन कोरोना की वजह से हो रही है तो वैक्सीन या दवाई मंगा सकते हैं। ए प्रेजिडेंशियल एड हैज़ वार्न्ड दैट फ्यूल रेशनिंग मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाई द एंड ऑफ द ईयर अनलेस कंजप्शन वॉज रिड्यूस्ड। देखिए ये भी बात कही जा रही है कि अगर फ्यूल का कंजप्शन कम नहीं किया गया तो इस साल के एंड तक फ्यूल की जो राशनिंग है वो भी करनी पड़ेगी, और वो भी एक कंट्रोल वे में फिर दिया जाएगा। तो देखिए ये सिचुएशन है खाने पीने की चीज़ों से लेके, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है वो 616 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, जो लास्ट अभी मंथ में रिपोर्ट आई थी। और देखिए इनका कितना है, 1.5 से 2, छोटा देश है मान लिया, बट फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतना है कि आप आराम से 300 से 350-400 दिन तक अगर कुछ नहीं भी होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी वाली, तो हम आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। यही रीज़न है कि चीज़ों पर दाम के जो प्राइजेज हैं वो नहीं घटाए जा रहे हैं ताकि हमारा रिज़र्व बढ़ सके। तो यही चीज़ें हैं देखिए जो आपको समझनी होंगी। आपको भी अपने यहाँ पे हर उस चीज़ को बहुत कन्वीनियंटली यूज़ करना है, और ऐसा यूज़ करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर सके। तो हर चीज़ का यूटिलाइजेशन जो है लिमिटेड कीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई थिंक मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। कुछ इकोनॉमिक्स टर्म थी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन मैंने कोशिश की आपको कि मैं उस तरीके से समझा सकूँ ताकि आम भाषा में आम लोग भी इसको समझ सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।